हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पॉम्फ्रेट फिश फ्राई बनाएंगे। वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब लाल बटन आएगा, इसे प्लीज़ क्लिक कर दीजिए और प्ले आइकन को क्लिक कर दीजिए मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन देखने के लिए। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास थोड़ा स्मॉल साइज के पॉम्फ्रेट फिश है। इसे अच्छे से क्लीन करने के बाद इसके ऊपर के हिस्से में इस तरह से आप चाकू की मदद से कट लगाइए। अभी हम फिश को मैरिनेट करेंगे। मैंने पहले से मिक्सी जार में एक मुट्ठी धनिया पत्ता, एक चम्मच साबुत धनिया, आधा चम्मच जीरा और 3 हरी मिर्च डाल के रखी थी और अभी डाल रही हूँ 3-4 कलियां लहसुन और एक अदरक का टुकड़ा, स्वाद के अनुसार नमक और आधा नींबू का रस। अदरक को चाहे आप छोटे छोटे टुकड़ों में काट सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पर एक पेस्ट तैयार कर लिया है और हाँ, इसमें एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर जरूर डालिएगा। अभी हम इस पेस्ट को लेके मछली के ऊपर अच्छी तरह से लगा लेना है। हम इस पेस्ट को इसके चारों तरफ अच्छी तरह से लगा लेंगे और इसे रेस्ट करने देंगे आधा घंटा के लिए। आधा घंटा के बाद चलिए नेक्स्ट प्रोसेस में। आप एक कटोरी ले लीजिए, इसमें 1 कप सूजी डालिए और अभी मैं डाल रही हूँ 1 कप बेसन, 2 छोटे चम्मच चावल के आटा डाल देंगे। अगर अवेलेबल नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। अभी डाल दीजिए 1/2 चम्मच के करीब नमक, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच के बराबर लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। अच्छे से इन्हें मिक्स कर लेंगे। एक बात मैं याद दिला देती हूँ, हम पहले से मछली में नमक डाले थे टेस्ट के अकॉर्डिंग, तो आपको इस मिक्सचर में जितनी नमक चाहिए होगा आप उतना ही डाल लीजिएगा। इस मिक्सचर को अभी मैं एक चौड़ा प्लेट में डाल रही हूँ, फिश को कोट करना आसानी होगी। अभी हम एक पैन में मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल अभी हम कुछ डाल देंगे। हमें फिश को सैलो फ्राई करना है। अगर आप चाहें तो ज़्यादा ऑयल डाल के डीप फ्राई भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैं इस प्लेट में किस तरह से मछली में कोटिंग कर रही हूँ इस मिक्सचर को। अभी हम फिश को डाल देंगे गर्म ऑयल में और एक पीस लेंगे और इसे अच्छे से कोट कर लेंगे। एक्स्ट्रा फ्लोर को इस तरह से निकाल देंगे और अभी ऑयल में डाल देंगे। इस तरह से मैंने यहाँ पर 4 फिश डाल दी है। आपके पैन में जितना आ जाए आप उतना ही डालिएगा। 3 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम पे इसे फ्राई कीजिए और फिर से इसे पलट दीजिए। देखिए मैं इस तरह से पलट रही हूँ एक एक करके। इस तरह से आप 2-3 बार अलट पलट करके इसे फ्राई कर लीजिए। ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी बनती है। आप इसे ध्यान से पलटिएगा, नहीं तो ये टूट भी सकता है। देखिए 8 से 10 मिनट के बाद हमारा फिश फ्राई होकर तैयार हो गया है। बढ़िया गोल्डन ब्राउन हो गया है इसका कलर। अभी हम बाकी फिश को भी इस तरह से फ्राई कर लेंगे। मेरे बताए हुए तरीके से आप फिश को फ्राई कीजिए, बहुत ही टेस्टी लगेगा। एक बात का ज़रूर ध्यान में रखें कि आप फिश को मैरिनेट करके मिनिमम 1/2 घंटा मैक्सिमम 1 घंटा तक रख लीजिए, उसके बाद आप फ्राई कीजिए। इसकी टेस्ट ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट बनती है। आप इसे ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।